Dear students, this is your teacher Rebecca Deel. Welcome back to our knowledge spot. Dear students, as you know that we are solving the MCQs of class 9th. Mathematics, we have done chapter number 1, 2, 3 and 4. And now we are going to start chapter number 5. And this is a very simple chapter, of course. So we are not going to do the long question from this chapter. Rather, we have to do the short one from this chapter. So if you have done this chapter thoroughly, like for the short one, so you have to actually, these are the complete question from this chapter, the MCQs like. So here we have the first one, that is x square minus 5x plus 6 are, like here we have to solve actually proper questions. So there is the question, like x square minus 5x plus 6, chapter number 5, this is number 1. सो वी आर नॉट गोइंग टू सी द आंसर बट यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. तो आप देखें कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको काफ़ी मुश्किल लगता है. सो इफ़ यू हैव दैट टेक्निक टू लर्न दैट सो यू कैन, अदरवाइज एक टेक्निक भी है इसकी याद करने की. चलें स्टार्ट करते हैं. पहले इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा. देखें, सिक्स वन सा सिक्स हो गया हमारा जो फर्स्ट स्टेप है. हम क्या करते हैं, सिक्स वन सा सिक्स यानी कि अपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, आपको सिक्स मिल जाएगा. अब आपने वो सारे पॉसिबल पेयर्स ढूंढने हैं कि हमारे पास कौन सा पेयर होगा जिसके साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम थ्री और टू की बात करते हैं तो देखें, अगर हम इस तरह से कर लें माइनस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स प्लस, तो देखें कि माइनस माइनस प्लस है. इन दोनों को सॉल्व करने से आपको थ्री टू सा सिक्स भी मिल जाएगा, और इनको अगर आप माइनस माइनस प्लस है ऐड करेंगे तो यू विल गेट माइनस फाइव. फर्दर देखिए, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस थ्री, यहाँ पर देखिए माइनस टू कॉमन आ रहा है, माइनस प्लस माइनस एंड टू थ्री आर सिक्स. तो x माइनस थ्री है आपके पास, अगेन द होल ब्रैकेट इज कॉमन इन x माइनस टू यहाँ लेफ्ट. तो चेक करें तो इसका हमारे पास जो आंसर बनता है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, दिस इज x माइनस टू और x माइनस थ्री. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट देखें, हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज 8x क्यूब. यूँ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और ये MCQs भी. एक्चुअली तो ये क्वेश्चन है जिसको उन्होंने MCQs की फॉर्म में दे दिया. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ देखें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. वी हैव दैट फॉर्मूला दैट 3x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब. अब देखें, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2x प्लस 3y. अब क्या लिखेंगे, 2x होल स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, 2x और फिर 3y और 3y होल स्क्वायर. नाउ द फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज़. यहाँ देखें तो 4x स्क्वायर, 2 3s आर 6xy बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट वेरिएबल, 3 3s आर 9. सी द ऑप्शन, वी शुड फाइंड आउट द ऑप्शन. और ये इसके क्या है, दोनों एक्चुअली फैक्टर्स हैं. इसका फॉर्मूला है, लेकिन फैक्टर का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आती है, तो ये इसके फैक्टर ही हैं. दैट इज़ 2x प्लस 3. और ये हमारे पास जो राइट इसके ऑप्शन है वो है यहाँ पर ये वाली, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, फैक्टर्स बनाने हैं हमने, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू. ओके, इसको फैक्टराइज, प्रोसेस को फैक्टराइज करना कहते हैं, लेकिन जो इससे हमें चीज़ें मिलती हैं वो इसके क्या हैं, फैक्टर्स बनते हैं. ओके, नाउ टू वन ज़ार टू, नाउ टू टू थ्री ज़ार सिक्स, हमें सिक्स चाहिए. तो चलिए अगर सिक्स के साथ करते हैं तो हमारे पास सिक्स वन ज़ार सिक्स बनता है और थ्री टू ज़ार सिक्स बनता है. और अगर हम ये वाला प्रोसेस, ये फैक्टर उठाते हैं तो माइनस थ्री और प्लस टू, वी नीड प्लस नेगेटिव वन, तो ये आपको मिल जाएगा. हम ये चेक करें, कहेगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू. यहाँ से अगर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x आ जाएगा माइनस वन, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस वन. सो ये हियर यू हैव x माइनस वन एंड 3x प्लस टू. सो द राइट ऑप्शन इज x माइनस वन एंड 3. आप फाइंड आउट करें x माइनस वन और 3x प्लस टू आ रहा है, तो देखें जनाब x माइनस वन और 3x प्लस टू, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, डी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, a 4 माइनस फोर बी फोर. तो अब क्या इसका अगेन द फॉर्मूला, ए टू टू, देखिए मैंने साथ साथ इक्वल लगाए, मैं रफ़ कर रही हूँ, मैंने फिर भी इक्वल लगाए हैं. सो डोंट फॉरगेट व्हेन यू आर डूइंग, लाइक ये तो चले एमसीक्यूज है, यहाँ तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्लीज़ जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डोंट फॉरगेट, दिस इज़ नॉट द फॉर्मेलिटी, दिस इज़ द रूल एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द इक्वल साइन. और इस एक्चुअली इस इक्वल साइन का मतलब ये होता है कि ये देखिए हम यहाँ क्यों नहीं इक्वल लगाते, वी आर नॉट पुटिंग द इक्वल इन द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन किसी चीज़ के इक्वल नहीं होता. क्वेश्चन खुद एक क्वेश्चन है, वो उससे पहले कुछ नहीं है, ये सबसे पहले है, ये इक्वल नहीं. इस इक्वल का मतलब होता है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये एक चेन चल रही है. सो यू कैनॉट मिस दिस इक्वल साइन, तो आप इस इक्वल साइन को मिस नहीं कर सकते. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द इक्वल साइन. ओके, नेक्स्ट देखें, ये ए फोर फोर,
ये 2b, यहाँ देखें ये हो गया। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे a2 टू प्लस टू बी टू और a2 टू माइनस टू बी टू। सो फाइंड द राइट ऑप्शन विल बी a2 और कौन सी है ये है जना। अच्छा, इन्होंने फर्दर सॉल्व किया हुआ, बल्कि फर्दर तो सॉल्व हो ही नहीं रहा, तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है a2 टू माइनस ये, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नो दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, सॉरी b इज़ द राइट ऑप्शन, a2 टू माइनस टू बी टू और a2 टू प्लस टू बी टू। ओके, नेक्स्ट देखें, दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन बट b इज़ द राइट ऑप्शन। वट विल बी एडेड टू कम्प्लीट द स्क्वेयर ऑफ 9a स्क्वेयर माइनस 12ab। उसने बोला कि हमारे पास, पहले मैं क्वेश्चन लिख, लेट मी राइट द क्वेश्चन, इसको कम्प्लीटिंग स्क्वेयर से करना है 9a स्क्वेयर माइनस, इसके आपने ना आंसर पे नहीं जाना, पहले इसको ज़रा देखें करना क्या एक्चुअली, बिकॉज नॉर्मली ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बट इट्स नॉट लाइक, ये देखें क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैन बी रिट लाइक दिस, येस यू कैन से येस, बिकॉज 3 स्क्वायर 9 एंड ए स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ छोड़ दें, क्या है हमारे पास, दिस ऑलवेज अ 2, द फॉर्मूलाज 2, यहाँ पर हमेशा 2 लगाएंगे, विच इज़ द, वट इज़ द फर्स्ट नंबर, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट नंबर, यहाँ आपका फर्स्ट नंबर, यहाँ से आपने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 2 3 क्या है, 6 है। आप सोचेंगे आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको ये मिल जाए, तो डेफिनेटली 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ तो फिर भी एक चीज़ कम आ रही है, हमें 3 यानी कि 3 2 6 ए तो मिल गया, पर हमारे पास बी नहीं है। अब देखिए 2 3 6 एंड 6 2 12, तो ये आ गया 12 ए बी। इट मीन्स यहाँ से हमने फर्स्ट नंबर, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसको सॉल्व किया, हमने 2 लगा दिया, ये नंबर कहाँ से है, हमने यहाँ से लिया ये नंबर, और ये हमें इसकी ज़रूरत थी, हम इसको खुद से यहाँ लिख रहे हैं, बस इतना सा आपने काम करना है, आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अगर कभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती, जो हमारा 5.1 का जो क्वेश्चन है, 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं काफ़ी डिटेल से बताती, लेकिन अभी हमारे पास, हम एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपके लिए इतनी चीज़ काफ़ी है। तो हमारे पास अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ, सो यू विल हैव 4b स्क्वायर, तो चेक करें आपको 4b स्क्वायर, आपका जो ये आंसर है ये चाहिए 4b स्क्वायर, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिलेगा आपको ये। ओके, नेक्स्ट हमारी जो है वो है, वी हैव टू फाइंड m, यानी कि ये हमारे पास यू क्वेश्चन लिख दिया है, और उसने बोला एक्चुअली यहाँ पर क्या आता है, ऑप्शन ना देखें, सिंपल देखें, यहाँ पर आपने लगा दिया x स्क्वायर प्लस 2, वही रूल 2 लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस लगा दिया, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, दिस इज़ योर फर्स्ट नंबर, यहाँ से फर्स्ट। आप सोचें यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 4 मिल जाए, ऑफ कोर्स सिर्फ एक्स भी है, वहाँ पर 2 2 4 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर m क्या, m किसको रिप्लेस कर रहा है, m ये है, और अगर मैं इसको ओपन करूँ 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखें 2 का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर क्या है, दैट इज़ 4, सो 4 इज़ द राइट ऑप्शन, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास देखिए क्यूज़ है, वो है MCQs नंबर, दैट इज़ 7, MCQs नंबर 7 देखिए, 5x स्क्वायर माइनस 17xy और माइनस 12y स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या करना है, हम 12 5s आपके पास क्या है 60, तो हमें 60 चाहिए, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा, और 20 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा, मीन्स 5x स्क्वायर माइनस 20xy और प्लस 3xy माइनस 12y स्क्वायर। तो यहाँ से देखें आपके पास ये क्या कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4y ये, और यहाँ से आपके पास 3y कॉमन आ रहा है, और ये आ जाएगा 3 4 12y, तो यूँ आपके पास x माइनस 4y द फुल ब्रैकेट इज़ कॉमन एंड 5x प्लस 3y इज़ कॉमन, द राइट फैक्टर इज़, दिस इज़ x माइनस 4y एंड 5x प्लस 3y। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, यहाँ देखें तो, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 27x क्यूब माइनस 1x क्यूब है, ये एक्चुअली कम्प्लीट एक क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, ये जो MCQs हैं आपका, दिस इज़ नंबर 8 MCQs, यहाँ पर क्या है 27x क्यूब माइनस 1x क्यूब, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, so this is 3x whole cube minus 1x cube, so when you going to apply the formula it will give you this is like this, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव साइन 3x 1x प्लस 1x स्क्वायर, सो दिस इज 3x माइनस 1x, दिस इज 9x स्क्वायर, ये x x से कैंसिल हो जाएगा, विल गिव्स यू 3 प्लस 1x स्क्वायर, एंड द राइट ऑप्शन इज़, यहाँ देखें हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ रही है, ढूंढे क्या है राइट ऑप्शन, 3x माइनस 1/3, 9x स्क्वायर प्लस 3, सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हैं इसके MCQ सारे,
नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये तो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी सब क्वेश्चंस हैं। सो ये चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज थे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। और चैप्टर नंबर 6 के जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, दे आर लाइक द होल क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व देम। चलें, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि दे ओनली हैव टू मेमोराइज द थिंग्स, लेकिन बट देर आर सम स्टूडेंट्स हु थॉरली हैव टू सॉल्व एवरीथिंग। फॉर देम इट विल बी हेल्पफुल। Those who want to learn things will not be helpful, of course, for them. So this is p cube minus b cube q minus d p q q. ये चीज़ें पहले इसको सारा सॉल्व करके लिखते हैं कि ये एक्चुअली किसके इक्वल है। तो ये आपका जो इसका आंसर आएगा मेन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से p कॉमन आ रहा है और यहाँ से q कॉमन आ रहा है। मतलब क्योंकि लीस्ट पावर कॉमन हमेशा आती है हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको हम फर्दर भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो ये तो आ गया आपके पास एक जो मेन इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया। इसके साथ क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी है, p फाइव क्यू स्क्वायर पी टू और q फाइव। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर कॉमन आ रहा है और q स्क्वायर, क्योंकि हमने लीस्ट पावर कॉमन लेनी है। यहाँ पर p की पावर 3 आएगा और q स्क्वायर ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। p फाइव थे, दो कॉमन है तो हमारे पास कितने रह गए हैं, 3 रह गए हैं। यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी जो हमारे पास q है अब वो 3 रह जाएंगे। यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखिए p माइनस क्यू देन p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। लाइक इसको इक्वेशन तो नहीं लिखेंगे, मतलब मैं इसको बॉक्स में बना रही हूँ, क्योंकि हमने एक्चुअली इन में से एच सी एफ मालूम करना है। अब एक्चुअली एच सी एफ मालूम कैसे करते हैं, एच सी एफ में क्या करना होता है, जो हमारे पास जो सिर्फ कॉमन टर्म्स होती हैं, तो चेक करें कि यहाँ पर या कॉमन टर्म कह लें या लीस्ट जो पावर्स होती हैं। तो यहाँ देखिए p की लीस्ट पावर क्या है, 1। यहाँ पर q की लीस्ट पावर क्या है, 1। और क्या चीज़ कॉमन आ रही है, और तो कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं, देखिए ज़रा p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है। तो ये है इसका एच सी एफ, पी क्यू और p माइनस क्यू। तो राइट ऑप्शन क्या है, ये पी क्यू और p माइनस क्यू, और कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पर कॉमन नहीं है। p प्लस क्यू और ये दोनों टर्म्स क्या है, डिफरेंट है। और कैसे याद रखेंगे कि जो लीस्ट पावर होती है आपने उसको कॉमन लेना, जो हमारे पास लीस्ट पावर है वो पी क्यू है, ठीक है, हाइएस्ट की तरफ नहीं जाना आपने। नेक्स्ट देखें हम आपका क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चलिए जी नेक्स्ट, कैन यू सी दिस फ्रॉम हियर, इज इट क्लियर, ओके चलिए। नेक्स्ट आपने एच सी एफ मालूम करना है नंबर 2, और वो है आपके पास 5x² y² and 20x³ and y³। चलिए आप सबसे पहले देखिए इसको हम यूँ लिख लेते हैं इस फॉर्म में 5x²y², क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, 5 खुद ही एक फैक्टर फर्दर सॉल्व नहीं करेगा। अगर 20 के फैक्टर बनाए तो क्या बनेगा, 5 × 4 = 20 और x³ और y³ यहाँ लगा दें, बेशक डॉट ना भी लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एच सी एफ हम कैसे करते हैं कॉमन, तो देखें कि सबसे पहले कॉमन नंबर क्या आ रहा है, कॉमन नंबर देखें तो 5 आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। और 5 की और x की कौन सी लीस्ट पावर है, x² है 3, तो लीस्ट क्या है 2, और y की क्या लीस्ट पावर है 2, तो ये है इसका आंसर, क्योंकि हमने लीस्ट की तरफ जाना है, हाइएस्ट की तरफ नहीं जाना। एंड द राइट ऑप्शन इज वी हैव नंबर ए। नेक्स्ट देखें नंबर 3 जो है वो है x-2 और दूसरा क्या है x² + x-6। तो यहाँ देखें इसमें आपने क्या करना है, अब ये तो इसको तो हम फर्दर सॉल्व कभी कर ही नहीं सकते, ये तो सॉल्वेबल है, मतलब ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो सॉल्वेबल नहीं है बट सॉल्व्ड है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर 6 के बनेंगे, जैसे ये होगा अगर हम यूँ कर लें, +3x - 2x और -3 × 6, 3 में से 2 गए 1। यहाँ पर आपने x कॉमन लेना है, x + 3, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो ये +3 हो गया। यहाँ पर x + 3 कॉमन है एंड यू विल लेफ्ट विद x-2। अगर हम गौर से देखें तो एक हमारा ये क्वेश्चन है, दूसरा भी, इन दोनों में से हमने एच सी एफ मालूम करना है। तो चेक करें कि हमारे पास कॉमन टर्म क्या है, ये कॉमन टर्म इज x-2, सो दिस इज़ योर कॉमन टर्म। उसके बाद देखिए नंबर 4 आपके पास क्या है, नंबर 4 है आपके पास a³ + b³ and a² - ab + b²। तो देखिए इसमें से अब पहले इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास a³ + b³ विच इज़ इक्वल टू a+b देन a² - ab + b²। अब इसको देखते हैं और अगर मैं इसके नीचे एज इट इज़ लिख दूँ इसको, क्योंकि वो तो सॉल्व हम उसको कर ही नहीं सकते, वो तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो अब देखें इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, जो हमें सिर्फ एच सी एफ में क्या करना होता है, कॉमन चीज़ें ढूंढनी होती हैं। सो दिस टर्म इज़ द कॉमन टर्म दैट इज़, यहाँ देखें तो इसकी राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, ये बी इसकी राइट ऑप्शन है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखें कंप्लीट, देखें आपको क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, ये आपके पास है x² - 5x, x ये हो गया,
और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो ज़रा इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, सिक्स वन ज़ा सिक्स, अगर हम यूँ करें थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस थ्री माइनस टू, तो ये माइनस थ्री आ गया, यहाँ से एक्स माइनस थ्री आपके पास कॉमन है, यहाँ एक्स माइनस टू आ गया। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिक्स वन ज़ा सिक्स, अगर हम इसको करें माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स और माइनस थ्री, टू ज़ा सिक्स, थ्री में से टू गए वन, तो यहाँ से x कॉमन आ गया x माइनस थ्री प्लस टू है x माइनस थ्री, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x माइनस थ्री कॉमन आ गया और फिर x प्लस टू रह गया। अब दोनों में ज़रा ढूंढें कि कॉमन क्या है, तो कॉमन आपके पास एक ही चीज़ है जो कि है x माइनस थ्री एंड दिस इज़ योर एच सी एफ, ये आपका है एच सी एफ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस, ये दिस इज लाइक ए स्क्वायर नंबर सिक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके साथ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इन दोनों में से जो कॉमन टर्म है वो है आपकी, लेट मी चेक द फॉर्मूला, यस एवरीथिंग इज ओके, द माइनस ए माइनस बी इज योर एच सी एफ, चेक करें ऑप्शन में, यहाँ पर ए माइनस बी जो राइट ऑप्शन है वो क्या है ए माइनस बी। अब चेक करते हैं इसकी जो नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इसके एम सी क्यूज़ हैं वैसे, नेक्स्ट एम सी क्यूज देखें क्या है, यहाँ ये है नेक्स्ट, आपको नज़र आ रहा होगा, ओके नेक्स्ट हमारे पास द पेज एम सी क्यू, एक दफ़ा देख लें आपने क्या करने हैं, तीन आपके पास हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे, मतलब तीन हमारे पास एक्सप्रेशन हैं जिनके बारी बारी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद ही हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास है दैट इज़ वेरी वन इज़ लेट्स एस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम, चलें इसकी बारी है, यहाँ से एक लाइन लगा लें, दिस इज़ एक्स स्क्वायर क्योंकि हमें टू वन सा टू चाहिए, अगर टू और वन में इसको प्लस करेंगे तो हमें आपसे थ्री मिल जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लें एक्स प्लस टू वन, इस जब कुछ भी कॉमन हो तो हम वन कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस टू कॉमन और एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर एक चीज़ ये आ गई, नंबर टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, यहाँ से थ्री वन ज़ा थ्री और थ्री प्लस वन फोर होगा थ्री एक्स प्लस दिस वन, थ्री प्लस वन फोर होंगे, एक्स इज़ कॉमन, यहाँ पर x कॉमन आ गया तो x प्लस थ्री रह गया, यहाँ से फिर कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो वन कॉमन ले लें x प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इधर लिखते हैं और यहाँ पर आ गया x प्लस वन, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है x प्लस फाइव एक्स, ये इसका पार्ट है, फोर वन ज़ा फोर, एक फोर वन ज़ा फोर, देखिए फोर प्लस एक्स विल गिव यू दिस वन, यहाँ से x कॉमन ले लें x प्लस फोर प्लस वन एक्स प्लस फोर, तो कॉमन एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस वन, तो चेक करें कि यहाँ पर इसमें से क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है तीनों में से, तो ये एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इसका क्या है एच सी एफ है, लाइक यही चीज़ कॉमन है और यही इसका क्या है आंसर है, ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं कोई बात नहीं, सो द राइट ऑप्शन इज़ एक्स प्लस वन इज़ द ए ऑप्शन, फाइन, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए अब हमने एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम में हम क्या करते हैं लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल्स होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर देखें कैन यू सी, यस दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ फिफ्टीन एक्स स्क्वायर कॉमा फोर्टी फाइव एक्स वाई कॉमा थर्टी एक्स वाई जी। तो सबसे पहले देखें, अच्छा एलसीएम एचसीएफ में क्या हम क्या करते हैं हाइएस्ट कॉमन जो मालूम करते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं जो लीस्ट जो हाइएस्ट कॉमन होता है। अब देखें अब यहाँ पर लिखेंगे 15 को अगर ब्रेक करें तो 3 फाइव ज़ा 15 और x पावर 2, 45 को ब्रेक करते हैं अगर यूँ ना समझ आए तो देखिए 45 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं इसको, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15, 3 फाइव ज़ा 15 एंड 5 वन ज़ा 5, सो दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड एक्स वाई एज इट इज़। 30 को ब्रेक करें लाइक 30 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, 3 फाइव ज़ा 15 एंड 5 वन ज़ा 5, दिस इज 2 3 एंड 5 एंड दिस इज़ एक्स वाई जी। तो सबसे पहले चेक करें हमारे पास कॉमन टर्म्स क्या हैं, तो कॉमन टर्म वैसे तो इसका एक और बहुत आसान तरीका ये भी है कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसको दोबारा आपको लिख के दिखाती हूँ, ये 3 पावर 1 है और 5 पावर 1 है और x पावर 2 है। अब इसकी बारी देखें, ये 3 पावर 2 आ जाएगी और ये 5 है 1 है और x की पावर 1 और y की पावर क्या है 1, यहाँ देखिए 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है और एक्स वाई जी, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन यूँ भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर ढूंढें 3, अब 3 के यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है ना वो लिख लें,
ठीक है, लिखेंगे एलसीएम। अब करना क्या है, थ्री के जो हाईएस्ट पावर है वो आपको क्या मिल रही है, थ्री की हाईएस्ट पावर है आपके पास टू, थ्री को काट दें क्योंकि आप थ्री को लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखें फाइव की जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या है, फाइव की हाईएस्ट पावर है ही वन, तो उसे ही लिख लें, अब उसको भी कैंसिल कर दें। अब टू की जो हाईएस्ट पावर है, टू है ही अकेला और टू की हाईएस्ट पावर वन ही है। अब एक्स को ढूंढें, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर टू है, वाई की हाईएस्ट पावर वन है और जेड की वन है, तो ये इसका आंसर, इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो थ्री थ्री ज़ा नाइन और फाइव और टू और एक्स टू वाई और जी, तो ये आ जाएगा फाइव टू ज़ा टेन एंड टेन नाइन ज़ा नाइन्टी एक्स टू वाई जी, यानी कि अब आपने इसको इसको बोलते हैं जो पावर फॉर्म में लिखे हैं ना, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जो हमने इसको पहले ये स्कैटर्ड होकर लिखा हुआ था, हमने इसको पावर्स के फॉर्म में लिख दिया, तो आपने जो सारे नंबर्स होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। अगर थ्री है तो हाईएस्ट पावर है ही वन, तो फिर क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर टू है वो लिख देंगे, फाइव की हाईएस्ट पावर वन है और जो टू है उसकी पावर वन थी वो लिख दी, और एक्स की हाईएस्ट पावर टू है, वाई की हाईएस्ट पावर है ही वन और जेड अकेला वो भी लिख देंगे, तो जो इसकी राइट ऑप्शन बनती है नाइन्टी एक्स स्क्वायर वाई, तो चेक करें कि बुक में इसकी जो राइट ऑप्शन बन रही है वो है ऑप्शन बी, नाइन्टी एक्स स्क्वायर और वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा अब देखें यहाँ पर क्या है सवाल, दिस इज़ वेट प्लीज लेट मी मेक द प्लेस, यहाँ पर है हमारे पास द क्वेश्चन इज नंबर इज वन एक्स, दिस ए टू प्लस बी एंड ए फोर माइनस बी फोर, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखें इसको आप फर्दर सॉल्व कभी कर ही नहीं सकते, ये सॉल्व है ऑलरेडी, हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। दिस इज़ ए टू टू, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर ये आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एज इट इज़ लिख दें। अब देखें कि इसमें पहले आपने कॉमन ढूंढना है, व्हाट इज़ द कॉमन टर्म, सो योर कॉमन टर्म इज़ ए स्क्वायर प्लस बी एंड वॉट इज़ योर अनकॉमन, ये दोनों तो कॉमन आगे काट दें लिख दिया, और जो रह गया इसको भी साथ मिला दें, और अगर हम इनको दोबारा से ज्वाइन करें सो विल गेट ए फोर माइनस बी फोर दैट द हाइएस्ट वन, तो इन दोनों में से जो हाइएस्ट चीज़ कॉमन आ रही है वो है ए फोर माइनस बी फोर, तो यहाँ जो इसकी राइट ऑप्शन बनती है वो है ए फोर माइनस बी फोर था, येस ए फोर माइनस बी फोर, तो ये आपकी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, मैं इसको समझाने से पहले आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि हम जब दो नंबर्स को, एक फॉर्मूला है आपके पास, ये जो 292 पेज पे आपके जो फॉर्मूलाज लिखे हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो एक बार देखें वहाँ पर फॉर्मूलाज क्या हैं, कि आपके पास जब हम दो नंबर्स को यानी कि दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर आता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला है, ये कहना बता रहा चाह रहा है कि देखें आप इसको मैं पढ़ के आपको बताती हूँ ये क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स पी और क्यू वाली जो बात है is equal to the dash of their HCF, again product means ये बात मैंने लिखी है, इसको दोबारा देख लें आप ज़रा, ये वो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो देखें ये प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये फॉर्मूला उसने इंग्लिश में यू डिस्क्राइब करके लिख दिया, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो अगला क्वेश्चन देखें, ये सिंप्लीफाई के सारे अगेन जो हैं काफ़ी कह लेंगे लेंथी जो हैं छोटे 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 सवाल दे दिए। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास है a डिवाइडेड बाय दिस इज नाइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री ए माइनस बी, और इसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखें क्या होगा हमारे पास, यहाँ देखें इसको सॉल्व करेंगे तो कैन यू सी ये सो क्लियर, दिस इज a डिवाइडेड बाय थ्री ए टू माइनस बी स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री ए माइनस बी, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें सो दिस इज थ्री ए प्लस बी एंड दिस इज़ थ्री ए माइनस बी एंड दिस इज़ थ्री ए माइनस बी। मैं इसका एक आसान अगर आपको तरीका बताऊँ तो आई वॉन्ट टू टेक कॉमन समथिंग फ्रॉम, यहाँ से अगर कॉमन फ्रैक्शन में देखें डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर का बस कॉमन आ रहा है थ्री ए माइनस बी, रहेगा ए थ्री ए प्लस बी प्लस वन, तो आप देखें वन के नीचे वन लगा दें, यहाँ देखें हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गई हैं, एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व द टू फ्रैक्शन, ड्रॉ द लाइन लाइक थ्री ए प्लस बी, और उसके बाद क्या करेंगे हम, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो ये ए वन सा ए, और इसको करेंगे तो थ्री ए प्लस बी, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो थ्री ए प्लस ए क्या हो जाएगा फोर ए प्लस बी, और यहाँ नीचे जो आपके पास वो आ रहा है थ्री ए प्लस बी और थ्री ए माइनस बी, और अगर इसको दोबारा से और सॉल्व कर दें तो देखिए आपके पास ये दोबारा से फॉर्मूला क्लोज हो रही है, तो नाइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फोर ए बी, तो यहाँ जो हमारी राइट ऑप्शन बनती है दैट इज़ फोर ए बी, ये है फोर ए बी और नाइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये था इसका जो सोल्यूशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट हमारे पास अगेन अ वेरी लेंथी लाइक क्वेश्चन है प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ. इन द क्वेश्चन इज, लेट मी राइट द क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14, दिस इज a2 माइनस 3a माइनस 18 इंटू ए प्लस 3 और a माइनस 2. चलें देखने क्वेश्चन सही है कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ज़रा सी भी अगर गलती कहीं हो जाती है तो समझे आपका पूरा क्वेश्चन गलत है. ओके, यहाँ पर हमारे अगेन फैक्टराइजेशन हो रही है. 14 वन ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 अगर करें और 7 में से आप माइनस करते हैं इसको, 7 टू ज़ा 14, 7 माइनस 2 5 माइनस 14, यहाँ पर क्या होगा 18, 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 ए प्लस 3 ए माइनस 18. इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं हो सकता, वो एज इट इज़ रहेगा. यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a प्लस 7, देन माइनस 2 इज़ कॉमन, 2 7 ज़ा 14, यहाँ से a कॉमन आ रहा है a माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है a माइनस 6, दिस इज़ a प्लस 7 इज़ कॉमन, देन लेफ्ट टर्म इज़ a माइनस 2, a माइनस 6 इज़ कॉमन एंड a प्लस 3. यहाँ ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी लाइक a प्लस 3 और a माइनस 2, a प्लस 3 और a माइनस 2, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा a माइनस 2 से. सो द राइट आंसर इज a प्लस 7 एंड a माइनस 6, a प्लस 7 a माइनस 6, या दिस इज़ द राइट ऑप्शन जिस a प्लस 7 एंड a माइनस 6. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सो वी हैव अनदर लॉन्ग क्वेश्चन टू सॉल्व, इट्स वेटिंग फॉर अस. देखें आपके कंप्लीट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, लेकिन वो आते शॉर्ट कैटेगरीज में, अगर क्या पता है अगर इसका कोई क्वेश्चन आ जाए. यह है a क्यूब माइनस b क्यूब, नॉर्मली द चांसेस आर नॉट लाइक दैट बट we can't say anything, we can't predict anything for the paper until it not, we can't see them. So this is the question. Okay, now, so here we have the formula again. This is a minus b, a square plus ab plus b square. Then this is a2 माइनस बी टू, लाइक अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, अगर अगर आपको, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, आप फर्दर सॉल्व कभी कर नहीं सकते, ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं. और ये भी नीचे वाली टर्म भी कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, अगर नेगेटिव होता तो सॉल्व होता, लेकिन ये पॉजिटिव कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट देखिए हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं. ये है ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको फॉर्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इसको ऊपर ले जाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, अभी ये और भी सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये देखें ए माइनस बी है, फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 बाय ए प्लस बी इसका आंसर है, इसकी राइट ऑप्शन 1 बाय ए प्लस बी. चेक करते हैं हमारी बुक में इसका क्या है, 1 बाय ए प्लस बी इज़ द राइट ऑप्शन, यस 1 बाय ए प्लस बी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है क्वेश्चन, लेट मी राइट द क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई, द नंबर इज 14 है हमारे पास, 2x प्लस वाई एंड x प्लस वाई माइनस 1 विद द ब्रैकेट क्लोज्ड, 1 माइनस दिस इज x प्लस वाई. ओके चलें जी, दो ब्रैकेट्स हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं. इसके नीचे 1 लगा दें टू मेक इट अ फ्रैक्शन, विल बी मोर सिंपल. यहाँ पर एक ब्रैकेट फिर से लगा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये करें आ जाएगा, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, दिस इज 2x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई. डोंट नेगलेक्ट दिस माइनस साइन, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा x, इसके नीचे 1 लगा दें, x 1 x. क्यों नहीं ब्रैकेट लगाई, क्योंकि नंबर एक है, जब दो नंबर होते हैं ब्रैकेट बाद तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, और एक सिंगल है तो ज़रूरत नहीं है. रीज़न क्या है अभी पता चल जाएगा. दिस इज 2x प्लस वाई माइनस साइन, देखें ये रीज़न थी, साइन चेंज होते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल रॉन्ग. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस दैट इज़ x, x प्लस वाई, एंड दिस इज क्रॉस x प्लस वाई इंटू वाई, x प्लस वाई कैंसिल हो गया एंड यू विल हैव x बाई वाई योर आंसर. तो चेक करते हैं x बाई वाई कहाँ पर है हमारे पास, x बाई वाई, सो दिस इज़ योर राइट ऑप्शन, यस x बाई वाई था. ओके, नेक्स्ट हमारा अगेन ये जो ये हमारा MCQs आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ये जो मैं भी करने लगी हूँ, सो दिस इज़ लाइक नंबर 15, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1. चलें देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस टू, योर फर्स्ट नंबर इज ए एंड योर सेकेंड नंबर इज वन एंड यू हैव टू क्लोज इट लाइक दिस. इसको हमने फॉर्मूला अगर क्लोज करें तो इस तरह की फॉर्म आएगी. और इसका स्क्वेयर रूट लेना है हमने, तो ये लगाया, ये ख़त्म हो गया, ए माइनस वन प्लस माइनस के साथ ये इसका आंसर आ जाएगा, ये है. एंड द राइट ऑप्शन इज दिस दिस वन. अगेन व्हाट शुड बी एडेड, कंप्लीटिंग स्क्वेयर वाला क्वेश्चन है. दिस इज एक्स फोर प्लस 64. यहीं रुक जाएं, आंसर ना देखें, कुछ सॉल्व करते हैं. तो देखें, टू टूज आर फोर. व्हाट आई टोल्ड यू एक्चुअली, पुट द टू हियर ऑफ द फॉर्मूला. व्हाट इज योर फर्स्ट नंबर, कॉल इट. ओके गुड, दिस इज एक्स स्क्वेयर. यू नीड हियर समथिंग टू कंप्लीट द क्वेश्चन, बट राइट नाउ द क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट. ओ ओ ओ, आई हैवंट सी द क्वेश्चन एक्चुअली. ये देखें, दोनों परफेक्ट स्क्वेयर हैं, मतलब इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये कुछ इस तरह से 64 इधर है और 8 का स्क्वायर क्या है 64. ओके, हमें कुछ मिडल में टर्म चाहिए और बहुत सिंपल है उसको बनाना. यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, हमारा हमेशा ये चीज़ लिखनी पड़ती है. अच्छा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो हम ये ऐसा काम ना करते, बट अभी ये 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. इट मीन्स ये फर्स्ट और लास्ट नंबर हमें दे दिए, हमने सेंटर में कुछ बनाना है. हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट इज़ द सेकंड नंबर, नॉट 8 स्क्वायर बट ओनली 8 इनसाइड द ब्रैकेट, स्टे इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज 8. और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें, 8 टूज आर 16 एक्स स्क्वायर. वी नीड 16 एक्स स्क्वायर टू कम्प्लीट द क्वेश्चन. उसने बोला क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 16 एक्स स्क्वायर हमें चाहिए टू मेक दिस क्वेश्चन अ परफेक्ट स्क्वायर. हमें ये चीज़ यहाँ पर चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है इसका. दिस इज नंबर 17 एक्स फोर प्लस 1 बाई एक्स फोर प्लस 2. चलें, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. इट मीन्स ये हमारी लास्ट टर्म है. जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है वो फर्स्ट और लास्ट होता है. हम पहले इसकी ज़रा जगह चेंज कर देते हैं, इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे. चलें, टू टू ज़ा फोर, सेंटर में रहने थे, क्या हो रहा है अभी. यहाँ पर लिखें टू टू ज़ा फोर. अब यहाँ पर है, बहुत आसान है इसको फिल करना. टू, योर फर्स्ट नंबर इज़ विदाउट स्क्वायर, लाइक विदाउट द होल स्क्वायर. इनसाइड दिस इज़ टू एंड यहाँ पर 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो अगर हम इसको कंप्लीट करें तो हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर. स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि वैसे तो यहाँ तक काफ़ी दोस्त ने कहा है स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें. तो जब आप इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. सो द राइट ऑप्शन इज दिस वन, नॉट नेगेटिव, नॉट दिस वन बट द पॉजिटिव. क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस बीच में आ जाता. ठीक है जी, तो ये सारे MCQs थे चैप्टर नंबर 6 के और चैप्टर नंबर 5 के. इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें. टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.